Hi, this is Atta Rahman, and today I'm going to discuss about the William Wordsworth very important work, The Prelude. But before starting this lecture, अगर आपने पहला जो लेक्चर है जिसमें विलियम वॉर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी रोमांटिक इरा को डिस्कस की है, आप उसको पहले देखें. दिस इज़ एन एडवाइस फॉर यू, सो यू कैन हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस लेक्चर. सो इन आवर टुडेज लेक्चर हम विलियम वॉर्ड्सवर्थ की एक इंपॉर्टेंट पोएम है द प्रोल्यूड, उसको डिस्कस करेंगे. वी फर्स्ट गेट द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोल्यूड about its publication and each and everything. And second, I will discuss about the blank verse जिसमें ये सारी poem जो है ना वो लिखी गई है. blank verse को हम define करेंगे. third number पर जो हम discuss करेंगे वो name of the books that are mentioned in the prelude, about 14 जो books हैं उनको हम थोड़ा बहुत उनके नाम को discuss करेंगे. and in fourth slide we will discuss some of the important question and answer, and at the fifth point we will also discuss about the style of the prelude, and last पर इस lecture को जो है ना वो मैं कंक्लूड करूँगा. सो अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस. बट अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस पर मौजूद जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करें, साथ ही नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस जो है ना बग़ैर किसी डिले के मिलती रहें. यस, सो हम इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं. द प्रिल्यूड द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, इट्स अ फुल नेम ऑफ दिस ग्रेट वर्क ऑफ विलियम वॉर्ड्सवर्थ, एंड इट वाज द पब्लिश्ड इन 1850. यस, इन 1850 आफ्टर द विलियम वॉर्ड्सवर्थ डेथ, एंड इट वाज पब्लिश्ड बाय हिज वाइफ, एंड इट वाज आल्सो टाइटल द प्रिल्यूड द ग्रोथ ऑफ हिज द पोएट्स माइंड, इट आल्सो गिवन बाय हिज वाइफ. और 1850 के जो फाइनल एडिशन होता है उसमें द प्रिल्यूड कंसिस्ट ऑफ 14 बुक्स, एंड ईच बुक कंसिस्ट ऑफ 100 लाइंस. तमाम जो उसके पार्ट्स होते हैं वो एपिक होते हैं, अनराइम्ड होते हैं, ब्लैंक वर्स में होते हैं, एंड इट इज़ नोन एज अ पोएटिकल बायोग्राफी. पोएटिकल बायोग्राफी इसको कहा जाता है क्योंकि मुकम्मल तौर पर जो विलियम वॉर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी है वो आपको इस बुक में जो है ना मिलेगी. और द प्रिल्यूड को जो है ना मोस्ट रिवीलिंग एंड पर्सनल पोएम इन ब्लैंक वर्स भी जो है ना इसको जो है ना वो कहा जाता है. सो ब्लैंक वर्स को हम जो है ना थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. अगर आप जो है ना कोई भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक एमसीक्यूज भी इसमें पूछा जा सकता है, या फिर आपसे इंग्लिश जो मॉडर्न पोइट्री है उसमें अलग तरह से इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है. ब्लैंक वर्स में तमाम जो प्रोल्यूड है वो लिखी गई थी. ब्लैंक वर्स जो लिरिकल पोएम्स होती हैं वो मुकम्मल तौर पर पैटर्न को फॉलो कर रही होती हैं, बल द ब्लैंक वर्स में ऐसा नहीं होता. सो आप इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि स्टेंजास डेट डू नॉट फॉलो पैटर्न्स लाइक दोज इन द लिरिकल पोएम्स इज कॉल्ड द ब्लैंक वर्स. इट इज़ अ कन्वर्सेशनल इन स्टाइल होती है, नेचुरल इसमें डिक्शन जो है ना वो इस्तेमाल की जाती है, एंड ऑर्डिनरी पीपल जो है ना इसमें उसको फोकस किया जाता है. लैंग्वेज इसमें बहुत ही सिंपल यूज़ होती है ताकि आम लोग जो है ना उससे जो है ना उसको समझ सकें. अगर आप प्रोल्यूड को पढ़ो तो इट इज़ हैज़ ऑल दीज क्वालिटीज़ दैट आई हैव मैंशनड. एक तो वो रेस्टिक लाइफ को बहुत ज़्यादा जो है ना वो पसंद किया गया है. इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशनल है, नेचुरल डिक्शन है तमाम, और ऑर्डिनरी पीपल को जो है ना वो विलियम वॉर्ड्सवर्थ ने इसमें जो है ना वो डिस्कस किया है. सो इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रिल्यूड 14 बुक्स, उसको हम इन शॉर्ट डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट बुक इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द चाइल्ड हुड लाइफ, इसमें विलियम वॉर्ड्सवर्थ अपने इंट्रोडक्शन के बारे में जो है ना वो बयान करते हैं. सेकेंड बुक इज़ अबाउट द स्कूल लाइफ, अपनी स्कूल लाइफ को जो है ना वो बयान किए जाते हैं. थर्ड बुक इज़ नेम एज अ रेजिडेंट एट कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज में उनकी जो रिहाइश थी उसको जो है ना वो फोकस करते हैं. फोर्थ नंबर पर समर वेकेशंस को जो है ना वो उसमें डिस्कस किया जाता है. फिफ्थ में बुक्स को जो है ना वो मैंशन किया जाता है. छठे नंबर पर जो है ना वो जो छठी बुक है उसमें कैम्ब्रिज एंड द एल्प्स को जो है ना वो डिस्कस करते हैं. एल्प्स क्या होते हैं? एल्प्स होते हैं जी जो एक वास्ट माउंटेन सिस्टम है इन यूरोप दैट एक्सटेंड्स टू द फ्रांस, उसको वो नाम दिए जाते हैं. सेवन्थ जो बुक थी उसमें रेजिडेंस इन लंदन में जो उनकी रिहाइश थी उसमें जो है ना वो पॉइंट्स वो डिस्कस करते हैं. एट नंबर पर लव फॉर नेचर, और नाइन्थ नंबर पर रेजिडेंस इन फ्रांस जो कि एक बहुत ही बड़ी चैप्टर था उनकी ज़िंदगी का फ्रांस में, वो सारा उस चीज़ को डिस्कस करते हैं. नाइन्थ और टेंथ बुक में जिसमें फ्रांस की जो है ना वो फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है उसको जो है ना वो बयान करते हैं. टेंथ नंबर पर भी, अलेवेंथ नंबर पर वो उसको कंप्लीट करते हैं जो उनकी वहाँ पर जो है ना वो सारे उनके साथ जो हालात पेश आते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के दरमियान.
ट्वेल्व नंबर पर इमेजिनेशन एंड टेस्ट को जो है ना वो बयान करते हैं, थर्टीन नंबर पर इसी कंप्लीट करते हैं इसी चीज़ को इमेजिनेशन एंड टेस्ट को, और फोर्टीन नंबर पर इस सारी जो बुक्स हैं फोर्टीन ऑफ द बुक्स उसको कंक्लूजन करते हैं। हर बुक में उनका एक पर्सनल जिंदगी का टच शामिल है, इसीलिए इस सारी जो प्रिलूड है इस कंसिस्ट ऑफ 14 बुक्स, और वो 14 की 40 बुक्स जो है ना उनकी जो है ना वो पोएटिकल बायोग्राफी जो है ना वो कहा जाता है। इतना ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होता, शायद आपसे जो है ना फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू चाइल्डहुड लाइफ और सेकंड बुक स्कूल लाइफ के बारे में जो है ना वो पूछा जा सकता है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जो है ना वो क्वेश्चन आ सकता है, डेट वॉज हैपन्ड इन 1779। मज़ीद इन बुक्स का जो है ना लव ऑफ नेचर ही किया जा सकता है, आई विल डिस्कस इट इन द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। नाउ इन दिस स्लाइड टू आर थ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द विलियम वॉर्ड्सवर्थ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सवाल पूछा जाता है वॉर्ड्सवर्थ के हवाले से, तो वो ये है कि डिस्कस वॉर्ड्सवर्थ एज अ पोएट ऑफ सॉलिट्यूड इन द लाइट ऑफ द प्रिल्यूड। सो अगर आपने जो पहला लेक्चर है वो सुना है तो मैंने वॉर्ड्सवर्थ की पोइट्री की जो डेफिनेशन है उसको मेंशन किया था। वॉर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोइट्री इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स दैट वी कलेक्ट इन द ट्रैंक्विलिटी। तो इधर से आप वॉर्ड्सवर्थ का लव फॉर सॉलिट्यूड एंड लव फॉर नेचर को जो है ना इमेजिन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पोएम पढ़ी है वॉर्ड्सवर्थ की सॉलिटरी रीपर, सो यू कैन इमेजिन एन अनरिटन रिलेशनशिप बिटवीन वॉर्ड्सवर्थ एंड अ सॉलिट्यूड, आप उससे उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा वॉर्ड्सवर्थ एक जगह पर कहते हैं कि टू वंडर हाफ द नाइट अमंग द क्लिफ्स आई वॉज अलोन, कहते हैं कि आधी रात को महसूस करने के लिए पहाड़ों के दरमियान आई वॉज अलोन, मैं अकेला खड़ा था, मैं अकेला उसको महसूस कर रहा था। वॉर्ड्सवर्थ एक और जगह पर कहते हैं आई हर्ड अमंग द सॉलिटरी हिल्स लो ब्रीथिंग्स कमिंग आफ्टर मी। सो वॉर्ड्सवर्थ की जो तमाम पोएट्री है वो सोसाइटी से कट हुई हुई, कटिंग हिमसेल्फ ऑफ फ्रॉम द नॉइजी इन्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। वॉर्ड्सवर्थ लाइक्ड टू लिव विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, उसकी पोइट्री में हमें एक अटैचमेंट का एहसास महसूस होता है। और मिल्टन ने जो एक मरतबा कहा था कि सॉलिट्यूड इज़ अ नर्स ऑफ कॉन्टम्पलेशन, ये वाला कॉन्सेप्ट हम वॉर्ड्सवर्थ की पोइट्री में देख सकते हैं कि किस तरह वॉर्ड्सवर्थ जो है ना इसको मुकम्मल तौर पर अपने ऊपर अप्लाई करते हमें नज़र आते हैं। वॉर्ड्सवर्थ प्रेज ए सॉलिटरी रीपर हु वाज आल्सो सिंगल वर्किंग इन द फील्ड। इस सारे क्वेश्चन से आप एक चीज़ का तस्वीर ये नहीं कर सकते कि वॉर्ड्सवर्थ जो है ना वो इंसानियत से नफरत थी और वो अकेली ज़िंदगी जो है ना वो पसंद करते थे, नहीं, बल्कि वॉर्ड्सवर्थ को देहाती ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पसंद थी। वॉर्ड्सवर्थ को जो है ना रस्टिक लाइफ को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, ही लव्स ह्यूमन। सो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये लिखे जा सकते हैं इस आंसर में जिसमें आपने ये आंसर कर रहे हो कि वॉर्ड्सवर्थ एज अ पोइट ऑफ सॉलिट्यूड। इसके अलावा जो एक और सवाल वॉर्ड्सवर्थ पूछ सकता है वो उसकी पिक्टोरियल क्वालिटी ऑफ द वॉर्ड्सवर्थ पोइट्री के बारे में है। तो अगर आप वॉर्ड्सवर्थ की पोइट्री को पढ़ें तो जो उसकी ब्यूटियस पिक्चर्स ऑफ द लैंडस्केप है, इट हैड अ कॉन्टीन्यूड इन्फ्लुएंस ऑन द वॉर्ड्सवर्थ विजनरी आइडियाज़। तो इसमें आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि वॉर्ड्सवर्थ बहुत अरसा पहाड़ों के दरमियान, लेक्स के दरमियान, दिन और रातों को विटनेस करते हुए, पासिंग सीजन्स को विटनेस करते हुए वॉर्ड्सवर्थ जो है ना उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। द ब्यूटी पावर एंड मेजेस्टी ऑफ लाइफ सैंक इन थ्रू हिज सेंसेस टू हिज स्पिरिट। सो ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं इन दोनों को मिक्स करके भी एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का जो है ना वो आंसर जो है ना वो तैयार किया जा सकता है। The style of the prelude, we have discussed about the blank verse. Blank verse is a literary term. तो आप उसको भी जो है ना इसके स्टाइल में जो है ना वो मैंशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो images and the figures I have mentioned in the lecture, you can also write in the style. The prelude demonstrate Wordsworth's sincerity and the feelings. The style is very simple and the simple language is used in this प्रलूड। इसके अलावा द पोएट जो है ना वो अवॉइड करता है रिटोरिकल डिवाइसेस को, जो लिरिकल पैटर्न डिवाइसेस होती हैं उसको वो डिवाइड करते हैं और ब्लैंक वर्स में जो है ना वो लिखते हैं। इट्स क्वाइट एन अमेजिंग व्हाट इज़ कॉल्ड द वर्क ऑफ द विलियम वॉर्ड्सवर्थ। ये कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ आवर लेक्चर, हमने जो है ना वो विलियम वॉर्ड्सवर्थ को एक जो है ना वो ग्रेट लवर फॉर नेचर के तौर पर देखा है।
William Wordsworth had a great supreme introspection का पोइट था, मेटाफोरिकल पावर से जो है ना वो लाइट और ट्रुथ को जो है ना वो देखने का बंदा बंदा था. वी हैव सीन हिज हैप्पी अर्ली चाइल्डहुड, बहुत ज़्यादा उसने विजनरी एक्सपीरियंस एज अ चाइल्ड प्रेजेंट किए. एंड आल्सो मिस्टर विलियम वॉर्ड्सवर हैड फेस्ड सम ऑफ द ट्रबल्स इन हिज लेटर चाइल्डहुड. इट वॉज अ टाइम वैन हिज पेरेंट्स डाइड. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हिज एजुकेशन, हिज थ्रू आउट प्रोग्रेस फ्राम चाइल्डहुड टू अ मैनहुड. Also his love and illusion for the French Revolution, his mental balance, his love for humanity, उसका जो है ना वो rustic life से जो है ना वो मोहब्बत करने हैं. हम William Wordsworth का mountain, lakes, valleys को जो है ना present करने. So he has all the qualities for a romantic poet. इसी वजह से उनको एक जो है ना वो romanticism का revival जो हुआ था वो उसमें William Wordsworth का बहुत बड़ा हाथ था, along with his contemporary poets like the Coleridge. इसके अलावा William Wordsworth की ज़िंदगी में उनकी जो sister है Dorothy थी, उनका भी बहुत बड़ा role है. ये कुछ areas थे जिनको हमने discuss किया है William Wordsworth की ज़िंदगी के बारे में, उनके एक ग्रेट पोएम द प्रिलूड के बारे में वर्क जो उनका था, कुछ हमने पहले लेक्चर में रोमांटिसिज्म को भी डिस्कस किया था. इसके अलावा अगर आपका कोई भी जो है ना वो क्वेश्चन है विलियम वॉर्ड्सवर्थ के बारे में या रोमांटिसिज्म के बारे में या किसी और टॉपिक पर, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन जो है ना वो पूछ सकते हैं. इसके अलावा आई हैव सेंड अ नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग विलियम वॉर्ड्सवर्थ इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल. I hope that you guys have enjoyed this lecture. Allah Hafiz. Thank you.